नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। झारखंड विधानसभा चुनाव में सियासी लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि बची हुई 11 सीटें गठबंधन के अन्य सहयोगियों को दी जाएगी। हालांकि हेमंत सोरेन ने यह नहीं बताया कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीट शेयरिंग के इस फैसले पर राजद की नाराजगी सामने आई है। आरजेडी ने इसे झामुमो और कांग्रेस का एक तरफा फैसला बताया है। आरजेडी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने 22 सीटों पर जनाधार का दावा किया और कम से कम 12 सीटों पर दावेदारी ठोकी। राजद ने कहा कि 62 सीटों पर महागठबंधन की मदद करेगी और संभावित कल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। सुनिए आज राजद ने पीसी में क्या कुछ कहा, फिर चर्चा शुरू करेंगे। मूल बात यह है, बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं। ये मूल हमसे अंक पूछ रहे हैं। अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका। सात पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता है तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। नाराजगी की अगर बात कही जाए तो एनडीए और इंडिया दोनों गुटों में ये झलक रही है, फिर चाहे वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर हो या उम्मीदवारों की सूची को लेकर। बीजेपी ने भी कल अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की हलचल तेज है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सतीश पाल मुंजनी जुड़ गए हैं। मुंजनी जी, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। वहीं भाजपा से विजय चौरसिया जुड़ गए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। स्वागत है आपका भी विजय चौरसिया जी। तो पहला पक्ष चलिए कांग्रेस से लेंगे। सतीश पाल मुंजनी जी, इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष में है और जैसा कि सीट फॉर्मूला तय हुआ है उस अनुसार गठबंधन के ही सहयोगियों दल से अगर इस प्रकार की नाराजगी सामने आएगी तो जो दावे आप लोग कर रहे हैं सत्ता में फिर से काबिज होने की, वो कैसे पूरे होंगे सर? इसी के अनुसार उनको जो उनका जो हिस्सा है, जो उनको देना है, उनको दिया गया है सम्मानजनक। और इस पर भी अगर उनकी राय मशवरा नहीं बन रही है तो हमारे नेता लोग भी बैठे हुए तैयार हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि ऐसी ताकतों को रोकना जो पूरे देश में संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, देश में जो ढांचारगी है उसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों से लड़ाई बनी हुई तो हमारे लिए इन गठबंधन के सभी नेतागण और सभी साथी एकजुट है, और हमें लगता है जल्दी आरजेडी के भी नेतागण इस बात से सहमत होंगे और सारा चीज एक दिन के दो दिन के अंदर में पिक्चर साफ हो जाएगी। ठीक है सतीश जी, आपने 2019 की बात की। 2019 में 7 सीटों पर राजद चुनाव लड़ी थी, लेकिन राजद तो यही कह रही है कि पिछले बार दरिया दिली दिखाकर 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, लेकिन उनका जनाधार 20 से 22 सीटों पर है, मजबूत है पकड़, लेकिन उसके बावजूद भी 12 सीटों की मांग कर रही है। तो क्या 12 सीट दे पाएगी इंडिया गठबंधन राजद को? आते हैं तो गठबंधन में सभी को राय मशवरा करके अपनी असली जमीनी हकीकत को भी पहचानने की जरूरत है। आप बिहार में मांगे, कांग्रेस ने दरिया दिली दिखाई, ये झारखंड है, झारखंड में भी आपको अपनी जमीनी हकीकत का असलियत को पहचानना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप गठबंधन करते हैं तो गठबंधन में सारी चीजों को नाप तोल करने के बाद ही बात करनी चाहिए। हम लोग भी अगर हमारे नेतागण और हमारे लोग कहेंगे कि नहीं, हम भी 50 सीट में लड़ने के लिए तैयार है, हमारा वहां दावेदारी है, हमारा यहाँ दावेदारी है, तो गठबंधन इस तरह का नहीं होता है। झारखंड में मात्र 81 विधानसभा ही सीटें हैं और 81 विधानसभा सीट में सभी गठबंधन के साथी को हम लोग को देना, और उसी के तहत गठबंधन होता है जब एक दूसरे का दरिया दिली दिखाना पड़ता है। हमारी जमीनी हकीकत क्या है उसको भी लोग को पहचानना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। सिर्फ गठबंधन और सीटें लेने से नहीं होती, सीट लेकर के हमें उन पर विजय भी प्राप्त करना। मैंने पहले ही आपके आप पहले ही मैंने कहा कि हमारा मकसद
कि झारखंड में जो हमने शुरुआत की, जिस तरह से 5 साल में हमने जनहित योजनाएं और कल्याणकारी योजनाओं से लाकर योग जनता के धरातल में पैदान में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, उसी काम को आगे बढ़ाना, इसलिए हम लोग गठबंधन करें। और पूर्ण विश्वास है, देखिए गठबंधन में ठीक है नाराजगी थोड़ा बहुत होती रहती है, लेकिन एकजुटता ही सबसे बड़ी बात ताकत होती है। और हमें लगता है कि आरजेडी के भी साथी आ जाए, ठीक है उनके नेतागण कुछ कुछ उनको आए होंगे, लेकिन आला कमान को भी गठबंधन की बातों को मानना पड़ेगा और अपनी जमीनी को भी, हमने कहा कि जमीनी हकीकत को भी पहचानने पड़ेगा। चलिए ठीक है, भाजपा के पास जाएंगे। विजय चौरसिया जी, भाजपा तो यूं परिवर्तन के दावे कर रही है और काफी सुपर फास्ट तरीके से आप लोगों ने सीट फॉर्मूला भी तय कर दिया, उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित कर दी। अभी आपके विपक्ष में एक प्रकार से खिटपिट चल रही है, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले दे दीजिए, फिर आपसे भी सवाल है। देखिए स्नेहा जी, ये उनका निजी मामला है, लेकिन जब आपने हमसे पूछ ही लिया है तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो गठबंधन है इसको शुरुआत से ही हम लोगों ने ठगबंधन कहा है। उसमें हम पर सवाल उठाए जाते थे कि आखिर आप लोग ठगबंधन क्यों कहते हैं इसको। ठगबंधन इसलिए हमने कहा था शुरुआत से, क्योंकि हमें शुरुआत से ही पता था कि इनके उद्देश्य क्या हैं, इनका गठबंधन किन उद्देश्यों के लिए हुआ है, इनको राज्य के विकास और राज्य के युवाओं की खुशहाली और यहाँ की के किसानों और कामगारों की खुशहाली से कोई मतलब नहीं था। अवसरवादी का एक गठजोड़ था और जिसने इस गठबंधन की बुनियाद रखी थी, मैं आपको बता दूं कि पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, और जिसने बुनियाद रखी थी आदरणीय नीतीश जी ने, वो अब इस गठबंधन में है भी नहीं। कल की जो घटना है वो आईने की तरह साफ है, और इन लोग चाहे जितना ड्रामा कर ले, हम ना राजद पे को टिप्पणी करना चाहते हैं, ना कांग्रेस पे को टिप्पणी करना चाहते हैं, ना जेएमएम पे को टिप्पणी करना चाहते हैं, इनके चेहरे को और इनकी कार्यविधियों को सूबे की जनता बढ़िया से समझ चुकी है, और चाहे ये लोग जितना ड्रामा कर ले, ये लोग जितनी अपनी हैसियत बता ले। अभी कांग्रेस के हमारे आदरणीय प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 50 सीटों में चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस का, अरे भाई 81 में लड़ सकते हैं आप, 50 में क्यों लड़ सकते, बड़ी पार्टी है। आरजेडी कह रहे हैं कि हम 22 सीटों में अपना दम उम्मीदवार उतारेंगे, 22 टिकटें भी वो पार्टी का सिंबल लेकर के चले आए हैं, हम उन पे नहीं जाते हैं, इनका अपना मामला है, जैसे निपटेंगे निपटेंगे, लेकिन राज्य की जनता इनके इस ठगबंधन वाली मुहिम को समझ चुकी है। चाहे जिस तरह का गठबंधन कर ले, चाहे गठबंधन करे ना करे, इनकी औकात इस चुनाव में यहाँ की जनता, यहाँ की युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का कामगार, यहाँ का किसान दिखाएगी। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और संविधान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को संविधान की बात करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, इनको इमरजेंसी याद नहीं है क्या, संविधान के तहत इमरजेंसी लगाए थे क्या, इनको कुछ भी याद नहीं है। इनके राहुल बाबा को जब चुनाव आता है तो संविधान की याद आ जाती है। ये 5 वर्षों तक झारखंड की तरफ मुंह उठा करके नहीं देखे कि हमारी सरकार वहां पे है, ये सरकार किस तरह से चल रही है, क्या लोक कल्याणकारी योजनाएं यहां पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, हमने जो चुनावी वादा किया उस पर ये सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखने की फुर्सत इनके राहुल बाबा को नहीं हुए। जब चुनाव की बेला आई तो इनको संविधान की चिंता हो गई। हम इनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राहुल बाबा जहां जहां जाते हैं वक्त गवाह है कि वहां वहां इनके सीटें घटती है और भाजपा की सीटें वो बढ़ा के जाते हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं। कल का मसला आप ले लीजिए कि कल राहुल बाबा सीट शेयरिंग को लेकर के, हालांकि वो संविधान के बहाने आए, संविधान सम्मेलन के बहाने आए, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि सीट शेयरिंग के लिए यहां पर आए थे, खाली हाथ लौट गए। यहां तक हुआ कि राहुल जी से मिलने से पहले ही उनके प्रभारी और हेमंत सोरेन साहब ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनको थोप दिया। अभी तो राजद नाराज है, अब आप बताइए कि राजद के जो अभी नेता हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव सुबह से होटल में बैठे रहे, हेमंत जी जाते हैं उस होटल में, लेकिन वो तेजस्वी यादव जी से मिलना भी जरूरी नहीं समझते हैं।
प्रेस ब्रीफिंग में जो सीट शेयरिंग की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें वो तेजस्वी यादव को बुलाते भी नहीं है। आदरणीय मनोज झा जो यहाँ पे महासचिव है उनके यहाँ पड़े हुए हैं उनको नहीं बुलाते हैं, तो ऐसे में राजद को गुस्सा होना लाजमी है। और जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है हम उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये गठबंधन वही उन्हीं दलों के गठबंधन है स्नेहा जी जो कभी ये कहते थे कि झारखंड हमारी लाश पे बनेगा, जो हमेशा झारखंड को बेचने का काम किया है। इन्हीं गठबंधनों के कुनबे ये हैं और जनता इसको इसका चेहरे का आईना दिखाएगी। नाराजगी पर तो आपने प्रतिक्रिया दे दी, जो विपक्ष में आपके गठबंधन में जो नाराजगी चल रही है उस पर प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन एनडीए में जो नाराजगी चल रही है उस पर भी कुछ टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने नहीं उम्मीदवारों की लिस्ट तो आप लोगों ने ला दी, लेकिन बिल्कुल उससे नाराजगी तो चल ही रही है ना। कोई नाराजगी नहीं है स्नेहा जी, परिवार बड़ा है और आप जानते हैं हम और आप सभी पारिवारिक व्यक्ति हैं, परिवार में भी गाहे बगाहे कुछ ना कुछ मतभिन्नता होती है, बाकी सभी एकजुट है। और मैं कई बार कह चुका हूं आपके चैनल में भी मैंने कहा है कि इन एनडी गठबंधन के सभी तमाम घटक दलों का एकमात्र उद्देश्य है कि इस राजा रानी की कहानी को खत्म करना। जो तानाशाही सरकार इस सूबे में चल रही है, युवाओं के आशाओं पे तुषारपात कर रही है, यहाँ की महिलाओं के किए वायदों को पूरा नहीं कर रही है, यहाँ के किसानों के किए वायदों को पूरा नहीं कर रही है, इस सूबे की डेमोग्राफी को छेड़छाड़ किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति पे ये सरकार चल रही है, इसको यहाँ से पदच्युत करना ही हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों का एकमात्र उद्देश्य है। किसी भी हमारे घटक दल के किसी भी नेता को ना मंत्री बनना है ना मुख्यमंत्री बनना है ना सीटों की चाहत है, सभी की एकमात्र चाहत है वो सारा कंप्रोमाइज कर लेंगे। और आपने देखा कि हम लोगों ने जब सीट शेयरिंग की घोषणा की तो हमारे आसू के सुप्रीमो भी आए, हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी बैठे, हमारे दोनों प्रभारी बैठे, और पिछले दिनों हमने LGP के साथ भी सामूहिक प्रेस ब्रीफिंग की है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिनको घोषणा हो गई सारे हमारे कार्यकर्ता चुनावी मेहनत में लग गए हैं, लोगों से जनसंपर्क में लग चुके हैं। ठीक है, चलिए इस पे जवाब ले लेंगे। सतीश पाल मुंजनी जी, जैसे कि विजय चौरसिया जी ने एक प्रकार से सवाल उठाया है और अपना एग्जाम्पल भी दिया है एनडीए का, कि जब उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ तो जितने भी सहयोगी दल के प्रतिनिधि थे वो सारे मौजूद थे, लेकिन जब इंडिया घटक दलों के सीट शेयरिंग की बारी आए तो वहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही दिखे और कांग्रेस के जो प्रभारी थे वो दिखे, और बाकी सहयोगी दलों को आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया सर? देखिए स्नेहा जी, सबसे पहले तो मैं, मेरे साथी जो प्रवक्ता है उन्होंने सवाल किया हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को कि चुनाव आता तब उनको संविधान की याद रखती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये संविधान सम्मान समारोह जो है पूरे देश भर में हर राज्य में हो रहा है, ये सिर्फ झारखंड में नहीं हुआ है, आप चले जाइए अब जितने भी राज्य है सभी जगह राहुल जी ने संविधान सम्मान समारोह करने का काम किया। और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले थे आपका कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इसी को लेकर किया यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा भी निकाले आप देखे होंगे कि मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, इसी को लेकर के किया यात्रा निकाले थे। और इनको याद होना भी चाहिए जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के ही नेता लोग ये नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार, और 400 पार किस लिए चाहिए ये भी लोगों को बतला रहे थे कि हमें 400 पार दीजिए हम नया संविधान आपको देंगे, इन्हीं के नेता कह रहे थे, ये हमारे लफ्ज नहीं है, हमारे नेता के लफ्ज नहीं, इन्हीं के नेता के लफ्ज है। ये लोग ये भी बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार दीजिए और हम लोग संविधान को बदल देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि जो हमारा ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी जो लोकतंत्र में अधिकार दिया है उनको लोग खत्म करना चाहते हैं, और उसी के उद्देश्य से और ये कार्यक्रम जो होता है राहुल जी का वो आपका सामाजिक संगठनों के साथ कार्यक्रम होता है, पूरे राज्य में पूरे देश भर में हर राज्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। सतीश जी इमरजेंसी के बारे में बता दीजिए क्या वो संविधान संबंध था? मेरी बात ऐसा है कि बीच में आपका मैंने टोका नहीं था, मैंने आपने पूरी बात रखा, मैं पूरी शांति पूर्वक सुना, आपने छुआ नहीं, मत कही है
स्नेहा जी इनको बोलिए कि अपने वक्त में बोले, ठीक, बीच में ना बोले, ठीक है ना, बारी बारी। हमने उनकी बात पूरी शांति पूर्वक तरीके से सुना, बोल लीजिए, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी बात को भी पूरी शांति पूर्वक से सुने, उसके बाद जब उनको अपना वक्त आए तो जो बोलना बोले, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। हो गया, बोलिए आप। हाँ, तो मैं कह रहा था, जहां तक है इंडिया गठबंधन की बात ये कह रहे हैं कि हम लोग का काम, हमने माय सम्मान योजना, हमने कहा माय सम्मान योजना, हमने हर वर्ग हर महिलाओं को खाते में 1,000 रुपए देने का काम, योजनाओं को गिनवाने लगे, उनके खाते में चले गए पैसा। तब इनको क्या हुआ, पेट में दर्द चालू हुआ, इन्होंने क्या योजना लेकर आए, गोगो दीदी योजना। ये कहां की योजना भाई, असम की योजना यहां लाई है, गोगो दीदी। और जब माई सम्मान योजना का जब देख रहे थे कि धरातल पर जिस तरह से इनकी प्रसिद्धि मिल रही थी, तो इनके नेता के पेट में इतना दर्द हुआ कि इन्होंने महिलाओं का भी अपमान करने का काम किया। और गोगो दीदी योजना लेके चलाए, फार्म लेके चलाए, चुनाव हुआ नहीं, सरकार बनी नहीं, और ये लोग क्या किए, गोगो दीदी का जाली फार्म भरवाने लगा चालू कर, का विषय है भाई। प्लस में आधार कार्ड न अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, और किस सरकारी दफ्तर में जाके ये जमा करेंगे। आपने देखा होगा कितने जगह डीसी ने भी इसका विरोध किया, और डीसी ने नोटिफिकेशन भी लिखा है, इस तरह की अफवाहें करके लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं करे। आप अपना मैनिफेस्टो में दीजिए ना भाई, घोषणा पत्र में दीजिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने फार्म छपवा करके पंचायत स्तर कहां कहां पर लोगों को, जिस तरह हमारी बहने हमारी महिलाओं को ठगने का काम करने लगे ये लोग। सतीश जी, इस पर आपका जवाब विजय चौरसिया जी से ले लेंगे, गोगो दीदी योजना पर आपने जो कहा, लेकिन जैसे ही गोगो दीदी योजना बीजेपी ने घोषित किया, उसके बाद ही तो मैया सम्मान की राशि बढ़ा दी गई, तो एक प्रकार से क्या कहे, चुनावी दांव तो खेल रहे हैं ना आप भी। स्नेहा जी, आपको याद होगा हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बार बार चिट्ठी भी लिखा, अब बार बार आप प्रेस में भी बयान दिया कि हमारा जो राज का जो पैसा है, जो हमारा जो राज का जो जीएसटी का पैसा है, 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार दबा कर बैठी हुई है, वो हम इसको आपका 2,500 रुपया जो करने की बात है, वो बार बार हम लोग पहले ही कर रहे थे। अब 2,500 रुपया तो हम लोग ने घोषणा किया, हम लोग को आपका कैबिनेट पास कर दे दिया, दिसंबर से मिलना चालू हो जाएगा उन लोग को, लेकिन हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपए जो दबा के बैठे हुए हैं, वो देने का काम करें इन लोग। लेकिन देखिए, गठबंधन तो यही आरोप लगा रही थी ना कि केंद्र 1,36,000 करोड़ जो है दबा कर बैठी है, इस कारण से 1,000 दिया जा रहा है। देखिए, राजनीति में स्नेहा जी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जनता सब जानती है कि हम लोग सिर्फ वादे नहीं करते, हम लोग काम भी करते हैं। इनका 10 साल का केंद्र सरकार के वादों को याद दिला दीजिए, किस तरह से युवाओं को बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, किस तरह से लोगों को बोला महंगाई कम कर देंगे, किस तरह से लोगों को बोला पेट्रोल का दाम कम कर देंगे। हम तो बाबा को भी याद कर रहे कि कहां चले गए बेचारे, वो रामदेव बाबा आंख झपका झपका के लोगों को समझा रहे थे कि भाई इंडिया मोदी जी सरकार में आ जाएंगे तो 30 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, 30 रुपया डीजल हो जाएगा, तब गायब हो गए, है ना। तो लोगों को ठगने और का काम वो लोग करते। आप तो किसान का आंदोलन को भी याद कीजिए ना स्नेहा जी, साल सवा साल तक किस तरह से किसान हमारे आंदोलन करते रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और किसान हमारे भाई जब दिल्ली कुछ करने लगते हैं तो रास्ते में कील का पत्थर गाड़ दिया जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। नहीं, देखिए, जो बहुत देश का हमारा जो किसान जो हम लोग को अन्न उपजाता है, हमें उनको भगवान मानते हैं, उनके साथ किस तरह से बहुत है जिस पर आरोप प्रत्यारोप चलाए जा सकते हैं। सतीश पाल जी, मुद्दे की नहीं बात है, जिस तरह से वो याद दिला रहे तो बहुत है, लेकिन देखिए यहाँ योजनाओं की बात हो रही थी, आपने गोगो दीदी पर घेरा, वो आपको मैया सम्मान के घेर रहे हैं, योजनाओं की बौछार है, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे थे कि 1,36,000 करोड़ केंद्र के पास है, जिस कारण से मात्र 1,000 रुपए जो है मैया सम्मान योजना के तहत दी जा रही है। कह रहे थे मैडम, मैंने बात को घुमाइए ना स्नेहा जी,
हमने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे थे कि 1,36,000 करोड़ रुपया दीजिए, तो 2500 क्या, हम लोग 5000 रुपए पे महीना देंगे महिलाओं को। तो ठीक है, तो अभी तो नहीं मिला ना, तो फिर 2500 किस आधार पे कर दिया आप लोगों ने? 2500 हम लोग कर दिए, हम अपना बजट देख कर कर दिए। अच्छा ठीक, 1,36,000 देंगे तो हम लोग और भी काम करेंगे। चलिए और भी लोगों काम करेंगे। हमने किसानों को 2,00,000 का कर्ज माफी कर दिया, 50,000 पहले के, फिर 2,00,000 का कर्ज माफी कर दिया। ठीक ठीक है विजय जी, देखिए जेएमएम और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सत्ता में रह के कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है जनता को पहुंचा रही है, वहीं पर कई आरोप जो है और सवाल जो है केंद्र पर भी खड़े हो रहे हैं। चाहे रोजगार की बात कर ले, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और गोगो दीदी का जो दाव, वो क्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद खेलना था? तो ये कह सकते कि कॉपी पेस्ट हो रहा है योजनाओं का। नेहा जी, मैं उनके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपने जो डिबेट आज स्टार्ट किया था वो गठबंधन को लेकर के स्टार्ट किया था। सतीश जी विषयांतर हो गए और सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए। मैंने उनको पूछा था सबसे पहला सवाल कि संविधान की बात इनके राहुल बाबा करते हैं तो इमरजेंसी क्या संविधान के तहत कांग्रेस लाई थी? ये गोल कर गए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये भी तो विषय के परे है ना, परे है तो ये संविधान छुए ना। अब जैसे अब मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं आप, मैया सम्मान योजना इनका कॉपी पेस्ट हमारा किए हैं ये, चूंकि आप जानते हैं बहुत चर्चित हमारी योजना है लाडली योजना मध्य प्रदेश की, जिसको इन्होंने कॉपी किया। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, कई राज्यों में महिलाओं को लाभ देने का, मासिक लाभ देने की योजना हमारे राज्य सरकारों ने, जहां हमारी भाजपा की सरकार है वहां चला चुकी है, उसको इन्होंने मैया सम्मान योजना के नाम पर कॉपी किया। ये योजना भी इनकी नहीं है, आपको पता होगा, आपने चलाया भी था। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनकी योजना थी, इन्होंने नाम बदल दिया है ना। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 1,36,000 करोड़, ये गोल करके बात को, इनको ये मालूम नहीं है आदरणीय प्रवक्ता जी को कि वो 1,36,000 करोड़ किस मद का पैसा है जो ये मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। अभी इन्होंने कहा जीएसटी मद, इनको मैं बता देना चाहता हूं, नोट कर ले सतीश जी, 2005 से ये बकाया का राग है अल्पा रहे हैं झारखंड से, समझ गए? और उस समय सरकार भी आपकी थी, यूपीए की, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री आपके, 14 में आया है भाजपा, क्यों नहीं आपका जो बकाया पैसा है सो आप ले लिए, सरकार भी आपकी थी, सवाल ये है। दूसरी बात है कि आपके जो महासचिव हैं वो कहते हैं कि ये कोयले की रॉयल्टी का पैसा है, आप कहते हैं जीएसटी का पैसा है, पहले तय कर लीजिए का चीज का पैसा है, किस्मत का पैसा है। ऐसे ही चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई वाला हाथ से नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इनको यह पता नहीं है कि इनके कार्यकाल में राज्य सरकार में कर्ज कितना बढ़ा है। स्नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि 6,000 करोड़ रुपया प्रति माह इनको सिर्फ ब्याज देना पड़ता है, और ये योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं जब चुनाव नजर आ गया। इन्होंने एक निश्चय पत्र लाया था नेहा जी, जिसमें बड़े बड़े वायदे किए थे इन्होंने। इन्होंने वायदा किया था कि गृहिणियों को हम 2,000 रुपया मासिक देंगे, आपको याद है ना, या मैं निकाल के दिखाऊं इनका निश्चय पत्र। दूसरा वायदा इन्होंने किया था युवाओं से कि मैं प्रथम कैबिनेट की बैठक में 5,00,000 युवाओं को नौकरी देने का वायदा इन्होंने किया था। इनके मुख्यमंत्री ने अपने पिताश्री की कसम भी खाई थी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पिताश्री के कसम खाने के बाद उधर आंख उठा करके नहीं देखा इन्होंने। इन्होंने कहा था कि यदि मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा अपने सूबे के युवाओं को तो मैं 5,000 से लेकर 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। क्या 5 लोगों को भी दिया इन्होंने? इन्होंने कहा था कि जब बेटी ब्याह करके जाएगी तो हम सोने का सिक्का देंगे, कितनों का दिया? बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। 4.5 साल गुजर गए, इन्होंने अपने निश्चय पत्र को उल्टा करके नहीं देखा। मैं तो समझता हूं कि नाम तक भूल गए होंगे ये लोग। जब चुनाव सिरहाने आकर के खड़ी हो गई तब इनको बकाहट समझ में आई कि हम जनता के पास जाएं कैसे। तो इन्होंने हमारे जो पीछे के जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं की योजना का नाम बदल करके मैया सम्मान योजना ले आया। ठीक है, ले आए। आपने देखा नहीं कि शुरुआत में जब वेबसाइट इन्होंने बनाया 3-3 बार इनको वेबसाइट बदलना पड़ा। एक सरकार है वो एक वेबसाइट भी नहीं बना पाते इनके लोग। अभी भी आप कौशल्या देवी डालेंगे मैया सम्मान योजना में, मैं इनको बता देता हूं हकीकत, तो उसमें पुरुष दिखेगा। अभी तक इनका वेबसाइट में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये पैसा दे रहे हैं 2-4 महिलाओं को, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये उसके साथ 96% महिलाओं को नाराज कर रहे हैं। नेहा जी चलिए ठीक है,
योजनाओं पर अगर बहस करेंगे तो बहुत लंबा बहस चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखना है सीट शेयरिंग, ठीक है, सीट शेयरिंग पर अब वापस आ जाते हैं। देखिए सतीश पाल मुंजनी जी, अब सीट शेयरिंग तो तय लगभग कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में हो चुका है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों का क्या, क्योंकि आपके जो विपक्ष है उन्होंने तो धड़ाधड़ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर दिया, उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी कर दी। देखिए हमारा प्रक्रिया चल रही है और धड़ाधड़ उन्होंने लिस्ट जारी भी कर दी, और धड़ाधड़ विकेट भी उनका गिरना चालू भी हो गया, ये भी आप देख रहे होंगे कि धड़ाधड़ लिस्ट तो जारी कर दी है लेकिन धड़ाधड़ विकेट भी उनका गिर रहा है। और हमारा जहां तक है कि हमें लगता है कि आज और कल से में हम लोग अभी सारा चीज का आपका पिक्चर साफ हो जाएगा, एनए की तरह साफ हो जाएगा और सारा चीज आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपसी सामंजस्य का क्या, जो आरजेडी के साथ अभी भी मनमुटाव एक प्रकार से राजद का चल रहा है और कल वो सूची जारी करेंगे और ये कहे कि 62 सीटों पर आप लोगों को वो मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कम से कम 12 सीटों चाहिए उनको चाहिए। देखिए हमने कहा कि गठबंधन जब भी होता है तो गठबंधन में आपको सामने वाला और जो सामने है सबको मिलजुल करके ही समाधान निकलना होता है, और हमें लगता है कि हमारे नेता और हमारे जेएमएम के भी नेता मुख्यमंत्री सभी मिल बैठ करके बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये तो राजनीति का समय है कि लोग आकर के सामने प्रेस में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो भी जल्द आपका कल परसों में वो भी साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी है। और मैं कहूँगा ना चाहता हूँ कि आने वाला जो दिन है भाई साहब हमारे जितने भी बोल रहे, लेकिन जो काम हुआ है वो धरातल पे हुआ है और लोग सब भली भांति जानते भी हैं, और कितने लाख महिलाओं को पैसा मिल भी रहा है, दो चार महिलाओं को नहीं मिल रहा है, आंकड़ा उनको भी ले लेना चाहिए। ठीक, ये और सर्वजन पेंशन के तहत हमने सभी लोग को पेंशन देने का काम किया है, आपका 18 से 20 का था उम्र के उनको भी हम लोग जोड़ने का काम किए है। और जहां तक बोले ना कि अगर हम योजना गिनाने लगे तो आपका डिबेट में समय नहीं रहे, बिल्कुल इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। चलिए लिस्ट लंबी है, इस पे वाद विवाद भी लंबा होगा, लेकिन बीजेपी की लिस्ट आई, बीजेपी की लिस्ट आई, आपने भी देखा, लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती हो सकती है? नहीं, कहीं चुनौती नहीं है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। मैंने कहा कि हमारा काम जो हम लोगों किए हैं जनता का समर्थन है और जनता जानती है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन लोग दिखाते हैं। हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते, हम लोग हकीकत दिखाते, हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट विजय चौरसिया जी, लिस्ट तो घोषित कर दी लेकिन देखिए गठबंधन लगातार कह रही कि कोई चैलेंज नहीं है उनके लिए, और जैसे आप लोग धड़ाधड़ लिस्ट घोषित कर दिए वैसे धड़ाधड़ विकेट भी गिरना चालू हो जाएगा। कोई विकेट नहीं गिरा है, दो दिन हो गए हैं नेहा जी, और मैं आपको एक कल्पना करवाना चाहता हूँ, अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्या आपने कोई ऐसा परिवार देखा है नेहा जी जिनके बड़े बुजुर्ग भोजन तो सब मिल करके बनावे, बच्चे बड़े बुजुर्ग छोटे सभी मिलकर के भोजन बनावे और भोजन की थाली परोस करके बड़े बूढ़े सब खा ले और जूठन छोड़ दे छोटे के लिए, क्या इसको आप आदर्श परिवार कहेंगे क्या? क्या ऐसे परिवार की कल्पना हमारी संस्कृति में है क्या? इसके गठबंधन का ऐसा ही परिवार तो है, 70 सीटें रख ली और बाकी जूठन 11 सीटों के लिए छोड़ दिया, खाना हो तो खाओ नहीं खाना हो तो बाहर जाओ। चलिए इनका पारिवारिक मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश जी को अभी फिर बता देना चाहता हूं कि जिस राह में राजद है आज, उस राह में कल कांग्रेस ना हुआ तो आप कहेंगे मुझे? आपने 31 सीटों में चुनाव लड़ा था पिछली बार, दो सीटें आपकी और बढ़ी है, मैं आपको याद दिला देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे, मांडू और पड़ैया हाट, तो आपको कम से कम 35 सीटें होनी चाहिए। क्या 35 सीटें जेएमएम आपको देगी? नहीं देगी। उसके बाद भी आपकी जो परंपरागत सीट है गिरिडीह का जमुआ, जहां से हमारे माननीय को जेएमएम ले जा चुका है अपनी तरफ या चले गए हैं वो, तो उस सीट पे भी जेएमएम दावा कर रहा है, यानी कि आपकी सीटें 25 देगी वो जेएमएम, और आप भी राजद के राह पे रहेंगे जिस राजद की आप आलोचना कर रहे हैं। वक्त है
मैं एक दो दिन में जैसे सीटों की घोषणा इनकी नया हो जी होगी, अभी यही खलबली कांग्रेस में भी मचनी है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। चलिए, बड़ा दावा किया आप। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सिर्फ नामों की घोषणा ये कर दे, इनके पास कितने शख्सियत बचेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। हमारा तो दो दिन हो गया, सारे कुछ शांति है, सारे कैडर हमारे चुनावी समर में जुट चुके हैं। आप देखे होंगे सोशल मीडिया में तमाम तरह के जुलूस और नारों का आपको जलवा दिखता होगा और जनसंपर्क का जलवा दिखता होगा। अभी बहुत पीछे है, हंस की चाल चलने से नहीं होता है, हंस बनना भी पड़ता है। पहले एक आदर्श परिवार बने जहां बड़े बूढ़े पहले छोटे को खिला ले फिर बड़े बूढ़े खाए, ये आदर्श परिवार होता है। आपने पूरी थाली चट कर गई और जूठन छोड़ दिया है, ऐसे में तो इस आदर्श परिवार हुआ नहीं। और जब परिवार ऐसा है, ठीक है, तो समय कौन आपको वोट देना चाहेगा भाई? चलिए सतीश पाल जी, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, शॉर्ट में, समय की कमी। शॉर्ट में यही कहूंगा स्नेहा जी कि हम लोग का परिवार एक साथ बैठ के भोजन करते, हम लोग जूठन नहीं छोड़ते है ना, हम लोग जूठन नहीं छोड़ते। आप हमारी ये मानसिकता नहीं की जूठन खिलाने का, पहले हम लोग खिलाते हैं उसके बाद अपने खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां तक इनको हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये अपने पार्टी की चिंता करें, अपने लोगों की चिंता करें। और चिंता ये करें कि 2024 में किस तरह से इनका भारी फजीहत होने वाला। चलिए दावे दोनों ओर से मजबूत है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों अतिथियों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर खींचतान जारी है, राजद अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और मान मनोबल का दौर जारी है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि जिस प्रकार से जो हालत राजद की हुई है वही कांग्रेस की भी होगी। हालांकि इस खींचतान के बीच क्या समन्वय बनकर आता है, क्या कुछ सामने आता है, जो सीट फॉर्मूला तय हुआ है वो तय रह सकता है या उसमें बदलाव आएंगे, या फिर उम्मीदवारों के लिस्ट में किन नामों को सूची में शामिल किया जाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, देखते रहें रफ्तार मीडिया। नमस्कार।